नाम है स्टूडियो स्टडी अबाउट आवर हिंदी सब्जेक्ट और हमारा लेसन का नाम है जादू। जादू मीन्स मैजिक। मैजिक सबको अच्छा लगता है ना। अभी इस लेसन में आप पढ़ने वाले हो। देवपुर का राजा कर्म से न्यायप्रिय था। वो बहुत न्यायप्रिय था, लोगों से अच्छा बर्ताव करता था, जिसके साथ कुछ इंडस्ट्रीज होता उसको जस्टिस करता था, न्याय देता था। परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। उसको गीत संगीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी। उसको संगीत अच्छा नहीं लगता था, गाने बजाने की उस राज्य में मनाही थी। वहाँ पे कोई भी गाना बजाना नहीं कर सकता था। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुछ एक युवक था। जो उसका राज्य था देवपुर, वहाँ पे एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा था और उसको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम था सत्यजीत। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर यह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। फिर उसने क्या किया, जंगल में एक जगह पर बैठा था और बांसुरी बजा रहा था। फिर वहाँ पे उसने देखा कि कोई एक घुड़सवार वहाँ से आया है, घोड़े पे बैठा हुआ कोई तो इंसान वहाँ पे उसने देखा। अचानक घोड़े का पाँव फिसला। फिर क्या हो गया, घोड़े का पाँव फिसल गया और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। और उस पर जो व्यक्ति बैठा था वो जमीन पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। और फिर वो जमीन पे गिरने के बाद क्या हो गया, बेहोश हो गया, इनकॉन्शियस हो गया। वे राजा कर्मसेन थे। और वो कौन था, फिर राजा कर्मसेन जो देवपुर का राजा था, घोड़े पे बैठ के जंगल में जा रहा था। और वहाँ पे जो ये लड़का था ये वहाँ पे बैठ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहा था। फिर वहाँ से घोड़ा गुजरा और फिर घोड़े का पैर फिसल गया और फिर राजा वहाँ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया। सत्यजीत ने क्या किया कि किस तरह से वो राजा होश में आए, उसने वहाँ पे प्रयत्न किए पर किया परंतु उन्हें होश नहीं आया। फिर भी कर्मसेन को होश नहीं आया। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर सत्यजीत सोचने लगाया कि अभी मैं क्या करूँ, इनको होश में कैसे लाऊँ। फिर वह अपनी बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। फिर उसने सोचे सोचे क्या किया, अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लग गया। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। फिर जो बांसुरी थी फ्लूट थी, उसका आवाज बहुत मधुर था, तो बहुत स्वीट था। फिर ये सब आवाज उसका जो इन्वायरमेंट था आजू बाजू के वातावरण में गूंजने लग गया, फैल गई उसकी आवाज। पक्षी भी उस मधुर संगीत के आसपास मंडराने लगे। पक्षी भी जो मधुर संगीत था वो उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा और उसके आजू बाजू में मंडराने लगे, घूमने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आँख खोल रहा था। जो राजा थे वो धीरे धीरे अपने आँख खोल रहे थे। सत्यजीत डर कर राजा के पाँव में गिर पड़ा। फिर सत्यजीत डर कर राजा के पाँव में गिर पड़ा क्योंकि राजा को गीत संगीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने राज्य में उसने मनाई की थी। फिर इसने सोच रहा कि अगर राजा ने देखा सुना तो फिर वो मुझे मना करेंगे, इसलिए वो पहले ही राजा के भाव में गिर पड़ा। राजा ने कहा, युवक कल तुम हमारे दरबार में आ जाओ। फिर राजा ने बोला कि युवक तुम क्या करो, मेरे दरबार में आ जाओ, कल मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। फिर दूसरे दिन क्या हो गया, सत्यजीत दरबार में गया और उसने सोचा कि अभी राजा मुझे क्या करेगा, पनिश करेगा, क्योंकि राजा को गीत संगीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर ये मुझे पनिशमेंट करेंगे। इसलिए वो सोचे डरते डरते राजा के दरबार में चला गया। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। फिर राजा ने बोला कि डरो मत, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। मुझे गाना बजाया उससे मेरी नींद खुल गई, मेरी आँख खुल गई, उससे मैं जीवित हूँ, उससे मुझे अच्छा लगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, फिर राजा ने मंत्री से कहा जो वहाँ पे बैठा था, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आज से जो हमारा राज्य है उसने गीत संगीत कोई भी बजा सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं होगी। सारे राज्य में पर तुरंत ही यह घोषणा कर दी गई। फिर सारे राज्य में यह दवंडी जो होते हैं वो बोला गया, पिटवाई गई कि अभी राज्य में कोई भी गाना बजाना हो सकता है, कोई भी गाना सुन सकता है। इस तरह इस जो कहानी है उसमें एक राजा है कर्मसेन और वहाँ पे एक अलग लड़का है जिसका नाम है सत्यजीत, उन दोनों के बीच में ही कहानी है। तो अभी आपको ये पढ़नी है और उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। थैंक यू।